वक्त वक्त पर पाकिस्तान के लोग कहते रहते थे कि जी हम ये गूगल चलाते हैं, इस गूगल का सीईओ इंडियन ओरिजिन का है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेप्सी पी जाती है, पेप्सी की सीईओ इंडियन ओरिजिन है, हम दुबई जाते हैं, हम एज अ लेबर काम करते हैं, एज अ लेबर तो इंडियन भी काम करते हैं लेकिन हमारे बंदे ऊंची पोस्ट पे काम है दुबई में भी और इंडियन ज़्यादा है, हम लंदन जाते हैं, लंदन में हम मजदूरी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, इंडियन में मजदूरी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ जो ऊपर की पोस्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियों की पोस्ट है, वहाँ पर भी इंडियन का कब्जा है लेकिन हम में से वहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। अब एक और क्रम जुड़ गया है इसमें कि ट्विटर का सीईओ भी इंडियन ओरिजिन और पाकिस्तान के लोगों को जलने का एक और मौका मिल गया और वो तुरंत जलने भी लगे। ट्विटर पे अचानक से गुस्सा शुरू हो गया पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान में इस वक्त हैशटैग चल रहा है बायकॉट ट्विटर, बायकॉट ट्विटर, ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है। कितनी फनी बात है, बिल्कुल उतनी फनी बात है जितना पिछले दिनों इंडिया में बायकॉट ट्विटर का हैशटैग ट्विटर पे चलाया जा रहा था। हालांकि ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होती थी पिछले कुछ दिनों, कहा जाता था कि ट्विटर भारत सरकार के सामने झुक नहीं रहा है, उसका भी कुछ असर पड़ा कि पराग अग्रवाल को आगे आए और पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया गया। लेकिन यकीनन पाकिस्तान के लोगों के लिए तो ये अच्छा दिन बिल्कुल भी नहीं है, ट्विटर पर साफ देख सकते हैं आप। और जो पाकिस्तान में इस वक्त हैशटैग चल रहा है वो यही है कि ट्विटर को अब बहिष्कार करो, ट्विटर को बायकॉट करो और एक बार फिर से हम एक ऐसे ऐप को चलाएंगे जिसका सीईओ एक इंडियन ओरिजिन है। लेकिन इंडियन ओरिजिन और इंडियन में एक बहुत बड़ा अंतर है जो शायद पाकिस्तानी लोग नहीं समझते। इंडियन मतलब पूरा इंडियन, इंडियन ओरिजिन मतलब वो थे इंडिया में लेकिन अब वो अमेरिकन सिटीजनशिप ले चुके हैं, ऐसे ही पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से पढ़े, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े, आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की, उसके बाद स्टैनफोर्ड गए, स्टैनफोर्ड में जाके स्टैनफोर्ड के हो गए, कभी वो वापस नहीं आए और वो वहीं के ही होकर रह गए, उन्हें सिटीजनशिप भी वहीं की मिल गई। उन्होंने ट्विटर उस वक्त ज्वाइन किया था जब उसमें 1000 एम्प्लॉय भी नहीं थे, जरा सोचिए 1000 एम्प्लॉय भी नहीं थे उस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया और उनको उनकी मेहनत का फल मिला, क्योंकि जब कम एम्प्लॉय होते हैं तो आप जो हार्ड वर्क करते हैं वो दिखता है। और 10-11 साल तक एक ही कंपनी में रहे और आज वो सीईओ बने हैं। और उन्होंने जो एक लेटर शेयर किया है ट्विटर पे अपने सीईओ बनने के बाद, बस एक दुख की बात यह है कि उसमें उन्होंने एक बार भी आईआईटी बॉम्बे का जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पिछले 10-11 सालों की बात की, अपने और जैक डोर्सी के रिलेशंस के बारे में बात की। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।